केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा संगठन द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत शनिवार के दिन बागली के पुंजापुरा में विधानसभा स्तरीय हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने बताया कि सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि एवं लाडली बहना योजना के माध्यम सीधा हितग्राही को लाभ दिया जा रहा है। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी तब किसानों को पर्याप्त सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन आज भाजपा सरकार में किसानों को पर्याप्त बिजली मिल रही है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हमारी सरकार जो है केंद्र और मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और बागली उस सरकार का बहुत बड़ा एक अस्तित्व है। बागली की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी जंक्शन के ज़माने से हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हमारे पूर्वजों के समय से हम जुड़े हुए हैं और यहाँ से ही यदि हम लोग जितना मजबूत होंगे हमारे मोदी जी और शिवराज जी को भी मजबूत करेंगे। हमारी सरकारों द्वारा चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो अनेकों योजनाएं दी जा रही है, जिस योजना से आज लाभान्वित जो हमारे लोग हैं उनको हम लोग हमारी योजना का लाभ गिना रहे हैं और उनको घर घर जाकर बताएंगे कि हमारी सरकार के द्वारा जिस तरह से योजना का लाभ दिया जा रहा है उसकी योजना का लाभ हमारी सरकार और मोदी जी और शिवराज जी को मिलना चाहिए और कमलनाथ की झूठी सरकार का बहिष्कार करना चाहिए। जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।